और एक बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, रूस यूक्रेन विवाद पर सीएम धामी की तैयारी। यूक्रेन में हालत खराब होने के चलते उत्तराखंड के लोगों को वापस बुलाने की तैयारी। पुष्कर सिंह धामी ने पीएमओ कार्यालय से बातचीत की है इस मसले को लेकर और उत्तराखंड के लोगों के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हैं ये पता लगाया जा रहा है और इसी को लेकर पीएमओ से भी बातचीत की गई है, पीएमओ कार्यालय से बातचीत की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जुटाई है और उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हैं ये पता लगाया जा रहा है, क्योंकि स्थिति वहां पर बहुत खराब है और ऐसे में तैयारी की जा रही है कि अगर बुलाना पड़ा उत्तराखंड के लोगों को तो किस तरीके से पूरा वो इंतजाम होगा। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, क्योंकि लगातार स्थिति यूक्रेन में खराब है और देखिए अब जानकारी इस बात की है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएमओ कार्यालय से बातचीत की है कि उत्तराखंड के कितने लोग वहां पर हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है, क्या अपडेट है इसको लेकर? जया, देखिए यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात हैं और बेहद ही गंभीर हालात हैं और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की यार राजधानी देहरादून हो या तमाम ऐसे क्षेत्र जहां से मेडिकल स्टडी के लिए बच्चे जाते हैं, छात्र छात्राएं जाते हैं और यूक्रेन में काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं और अन्य लोग भी फंसे हुए हैं, उनकी जानकारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में बातचीत की है, रक्षा मंत्रालय में बात की है कि आखिरकार जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के जो छात्र छात्राएं हैं जो मेडिकल स्टडी के लिए वहां पर जाते हैं उनको सकुशल कैसे लाया जाए। पीएमओ की ओर से अभी तक जानकारी मिल रही है कि उनका खाका राज्य सरकार बनाकर पीएमओ को देगी, रक्षा मंत्रालय को देगी और उनके बाद उनका जिस तरह से जो अपडेट होगा उनको सकुशल लाने की एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसको लेकर आज पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्रालय से बात भी की है और पीएमओ कार्यालय से भी बातचीत की है। और जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात है और बड़ी संख्या में राजधानी देहरादून के बच्चे मेडिकल स्टडी के लिए यूक्रेन जाते हैं, यूक्रेन और तमाम ऐसे क्षेत्रों में हैं यहाँ जहाँ से उनका खाका तैयार किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, कहाँ कहाँ पर वो रह रहे हैं, चाहे काम कर रहे हों या फिर मेडिकल स्टडी कर रहे हों, उनका खाका राज्य सरकार तैयार कर रही है और पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय में बातचीत की गई है कि जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के जो छात्र छात्राएं हैं उनको सकुशल लाया जाए और पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी पूरा राज्य सरकार को भरोसा दिलाया गया है। और जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात हैं, बेहद गंभीर हालात हैं, युद्ध कभी भी हो सकता है, तो जितने बच्चों के अभिभावक हैं, परिजन हैं, वो बिल्कुल परेशान हैं, राज्य सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को, उनके लोगों को सकुशल राज्य में लाया जाए। जया, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी।